हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं अरुण ऑन व्हील्स। आज मैं मेरा जो 2 साल का एक्सपीरियंस है ऑटो के साथ, महिंद्रा ट्रियो के साथ, उसका पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लेकर ये अभी तक, ये मार्च में अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2023, तो मार्च 2024 को इसको लेके दो साल पूरे हो जाएंगे लगभग। अभी मुझे 1.5 साल के ऊपर हुआ ये लेकर ऑटो, तो इतने दिनों में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आए, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या है, हर चीज़ के बारे में आज मैं पूरा बताऊंगा। पूरा ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं पूरा शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे इसकी कीमत हमारे, मैं जब लिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी थी, तो वो सब्सिडी वो काट के मुझे 2,35,000 में ऑन रोड प्राइस गिरा था, ये मिला था 2,35,000। लेकिन अभी इसका प्राइस है 2,91,000 महिंद्रा 2.0 का, और इसमें एक नया जो मॉडल आया है और एक उसका प्राइस है 3,40,000 के करीब करीब आपको वो ऑन रोड गिरता है, ट्रियो प्लस नाम का। ये तो पुराना मॉडल है, मेरे ख्याल से जो भी नया मॉडल आया है वही लेना ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें रेंज बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो इसके साथ अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात जो मैं पहले काम किया करता था, पहले मैं पेट्रोल का ऑटो चलाता था, बाद में ये लिया मैंने। मैं जब लिया था तो मेरे साथ कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, यही मॉडल सबसे अच्छा था, महिंद्रा ट्रियो। और इसका परफॉर्मेंस की बात करना चाहूँगा, इसके प्लस पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। सबसे प्लस पॉइंट है इसका जो स्पेस है, स्पेस बहुत भर भर के है, इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। मैंने पूरे पुराने वीडियो में भी डाला है कि क्या है क्या नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है, बहुत पैसेंजर बैठा सकते हो आप, इधर से लेके 3 से 4, इधर 3-4 आराम से बैठ जाते हैं, ना कि कोई दिक्कत आती है, ना कुछ नहीं, पैर भी नहीं लगता है। देखो मैं बैठा हूँ फिर भी इतना स्पेस बचा है सामने, तो पूरा बहुत ही पैसेंजर की हद तक, सवारी की हद तक इसको कोई भी चैलेंज नहीं है, इसको कोई भी मुकाबला नहीं है, इसका कोई भी ऑटो है जो मुकाबला नहीं कर सकता इसके बारे में। मेरे ख्याल से इसका सबसे प्लस पॉइंट है इसका जो स्पेस दिया है, बहुत ही बढ़िया है, नंबर वन। बाद में इसका अगर इंस्टॉल क्लस्टर जो है इसमें DTU वगैरह दिखाता है बोले तो मैं अभी चालू करके दिखाता हूँ। मैंने अभी तक देखो 22,433 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। मेरी गाड़ी कम चलती है, मैं कम चलाता हूँ ऑटो, मुझे दूसरे भी काम होते हैं इसलिए मैं कम चलाता हूँ। इसके साथ जो दूसरे ऑटो है मेरे बराबर के जो लिए समझो मेरे टाइम, उन्होंने 60,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर के करीब करीब चला चुके हैं। तो इसमें और प्लस पॉइंट बोलना है तो इसका जो बॉडी दिया है प्लास्टिक का दिया है, ये अच्छी बात है और बुरी भी बात है। इसका प्लस पॉइंट ये है, अभी ये बारिश के पानी में जंग नहीं पकड़ेगा, कुछ नहीं, अब सालों साल चला सकते हैं आप कितने भी साल। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि दूसरी बात इसमें बुरा बोलने का बोले तो अगर कोई कहीं ठुक जाता है, कुछ हो जाता है तो डायरेक्ट टूट जाता है ये, जैसा कि मुझे मेरे साथ एक दो जगह हुआ था, हमारे दोस्तों के साथ भी बहुत सी बार हुआ है। अब ये देखो ये घिसा है, पूरा घस चुका है, यहाँ का पूरा कलर जा चुका है, यहाँ का भी जा चुका है, ये देखो यहाँ मैं दिखा सकता हूँ आपको, देख सकते हैं आप, ये पूरा टूट चुका है, ये ज़रा समार लगता है तो ये टूट जाता है। तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट में देख सकते हैं आप सबसे बड़ी बात। और दूसरा और कुछ प्लस में बोलना है तो इसको ब्रेकिंग जो है ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग है। मैं अब जहाँ लगाओगे वहीं ब्रेक लग जाएगा, एकदम बढ़िया है, इसको कोई मसला नहीं है, ब्रेक में एकदम नंबर एक पर है। और दूसरा इसकी रेंज भी अच्छी है, 100 किलोमीटर ठीक ठाक है,
और इसमें दूसरा मॉडल भी आ चुका है जिसका 150 बोलते हैं, 125-30 किलोमीटर सिटी के हद तक जाता है। ये जो मॉडल है हमारा, ये सिटी में 90 से लेकर 100 तक आराम से चल जाता है, और सिटी के बाहर समझो हाईवे पर गए तो आपको ये 130 प्लस आपको रेंज निकाल कर देगा। और दूसरी बात इसकी इलेक्ट्रिक ऑटो की ये है कि इसको परमिट की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात इसका चार्जिंग टाइम बहुत ही अच्छा है। इसको इसके साथ जो चार्जर आया है देख सकते हैं, ये चार्जर है 2000 वैट का है, ये जो आपको पूरे चार घंटे तीन घंटा 50 मिनट में पूरा बोलते हैं ये कवर कर देता है ये चार्ज। लेकिन इसको भी वातावरण के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा टाइम लग सकता है ऐसा है। और इसकी स्पीड जो है सबसे बड़ी बात, इसका प्लस पॉइंट है इसकी स्पीड है 55 से 60 करीब जाती है, बहुत ही अच्छी स्पीड है इसकी। और दूसरी बात इसकी क्या है कि इसका पिकअप इतना मस्त है, बहुत ही बढ़िया पिकअप है। आप कितने भी पैसेंजर बिठा लो 8-10 क्या है तो ये बराबर आपको कहीं पर भी आपको पूरा फुल पिकअप लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं क्या भाई सब इसका बोले तो अपन इतना लोड डाल के चला सकते हैं क्या, अरे बिंदास चलाओ भाई, 8 लोग 10 लोग बिंदास डाल दो कहीं पर भी कितनी भी, मैं पहाड़ी पर भी जा चुका हूँ किधर भी इसको कभी भी दिक्कत नहीं आई है। और दूसरी सबसे प्लस पॉइंट तो यही मेरे को ये लगता है इसका कि ये फुल पिकअप देता है, कितना भी लोड डालो आराम से उठा सकते हैं। और दूसरी बात इसका जो इंटरनल बॉडी दिया है, देखो ये पाइप देख लो इतने मजबूत दिया है ना इंटरनल, ये पाइप वगैरह चेसिस बहुत ही मजबूत चेसिस है, अंदर की जो बॉडी है एकदम टकाटक है, बहुत ही ज़बरदस्त झकास बोले तो भी चलेगा, बहुत मस्त है बॉडी। क्योंकि मैं जो पेट्रोल का था मेरे पास बजाज का, उसका छोटा पाइप था और कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो ये टूटने का और कुछ ज़्यादा नुकसान होने का डर रखता था पैसेंजर को अपने को पलटी हो जाने पर। और दूसरी बात इसके साथ क्या है, ये कमानी दी है इसको, यहाँ पर कमानी है शॉकअप नहीं है। इसका प्लस भी पॉइंट है, इसका नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। फ़ायदा ऐसा है कि इसको आप जो अपन स्पीड में जो लेते हैं ले जाते हैं मैं पेट्रोल का ऑटो था जब मेरे को पलटने का बहुत डर लगता था, लेकिन इसके साथ ये कमानी होने से थोड़ा वो जो नुकसान होता है पलटने का डर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसको बैलेंसिंग बहुत ज़बरदस्त है इसकी, जो रोड पे जो बैलेंस करता है खुद को बहुत ही मस्त करता है, कोई दिक्कत का काम है ही नहीं वहाँ पर। मैं बहुत बार ट्राई किया है, फिर जो पुराना ऑटो था वो मेरे को बहुत डर लगता था, 50 की स्पीड पे अगर गया मैं वो मेरे को पलटने का डर लगता था। इसके बारे में ऐसा ही नहीं है, 50-55 आप एकदम ज़बरदस्त, कोई टेंशन है ही नहीं, अच्छे से चला सकते हैं। अभी मैं अगर बात करूँ माइनस पॉइंट इसके, माइनस पॉइंट सर बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसकी बॉडी, आप देख ही सकते, मैं बोल ही चुका हूँ कुछ होगा तो टूट जाएगी। लेकिन दूसरा बात इसका यह है कि ये जो बॉडी अगर टूट भी जाएगी ना, ये 1500 के अंदर आपको जैसे का वैसा बना के दे सकते हैं लोग। कुछ कारागिर होते हैं जो कार का भी काम करते हैं, फाइबर जो मड़गार्ड होता है सामने का टूट जाता है तो उसको बना लेते हैं। हमारे दो बहुत सारी गाड़ियां हैं दोस्तों के, ये जो पूरा फाइबर है ये टूट गया था तो वो 1500 में बन गया था, जैसे का वैसा आपको समझ में भी नहीं आया कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा जैसे का वैसा बना सकते हैं। और दूसरी बात आपको अगर ये पार्ट गया भी टूट भी गया, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये जो तीन पार्ट में हिस्सों में अलग अलग पार्ट का अलग अलग हिस्सा है, इसका ये पार्ट का हिस्सा है 3200 रुपये, इसका 4000 समथिंग है, 4000 के कम ज़्यादा समझो, और उससे ये इसका भी वही है अलग है। और सामने का भी वो जो है पार्ट्स वो भी ज़्यादा महंगे नहीं है, 5 से 10 हज़ार के अंदर पूरा बोले तो पूरी अगर बॉडी भी गई आपकी 30-40 हज़ार के अंदर आपको पूरी की पूरी बॉडी जैसी की वैसी मिल जाएगी, 40-50 हज़ार समझो पकड़ लो आप। और दूसरा इसका माइनस पॉइंट और बोलना है तो इसका सस्पेंशन, यार इतना बहुत ही बेकार सस्पेंशन है इसका, जो भी कस्टमर बैठेगा ना आपको बहुत बातें सुनाएगा, सस्पेंशन थोड़े बेकार है भाई। मेरा जो पहले बजाज था ना, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, मेरे कंबार वगैरह इसे पूरी वाट लगा दिया है, मेरी कमर बहुत दर्द देती है इससे,
चला है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ इसको। थोड़ा मैं अगर महिंद्रा को बोलूँगा ना, सबसे पहले इसके सस्पेंशन पे काम करे भाई, और ये दूसरी बात ये बॉडी पे। नहीं बॉडी भी नहीं बदल दिया तो चलेगा, पहले काम वो सस्पेंशन बदल दो भाई। बॉडी का कुछ हो कुछ टेंशन नहीं है, अपन बना भी सकते हैं और नहीं तो नया भी डाल सकते हैं पार्ट्स। लेकिन सबसे बात इसकी सस्पेंशन है ही नहीं, इसको जो कमानी दिया है ना वो लोडिंग के आइटों की कमानी है। और सामने का सस्पेंशन अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन इतना अच्छे से भी काम नहीं करता, वर्क नहीं करता मेरे ख्याल से। इसकी वजह से मेरे कमर में बहुत दर्द देता है। दूसरी बात, जब आप इसमें पैसेंजर बिठाएंगे, आप 8 से 9 बिठाएंगे ना, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा मालूम क्या, ये फ्रंट सस्पेंशन जो है ना, अगर कोई गड्ढा आया तो अगर ज़ोर से आप वहाँ से आराम से नहीं ले गए तो झटका बैठा तो पूरा पिचक जाएगा वहाँ पर, जो पूरे उसके इस पर लग जाएगा, समझो सस्पेंशन थोड़ा ये हो जाएगा, टूटने का डर लगता है, झटका लग जाएगा। और दूसरी बात, बैटरी बैकअप वगैरह सब तो अभी अच्छा है देखो। और दूसरा माइनस पॉइंट और क्या है, तो इसका टायर, इसके टायर आपके बारिश के दिनों में ना बहुत पंचर होता है, बहुत पंचर होता है। दूसरे बजाज के इसमें सबके इसमें टायर में ना ट्यूबलेस टायर दिए, इसमें ट्यूबलेस नहीं है और सिर्फ 4 प्लाई का टायर है इसमें। अभी जो नया आया है इसमें बाहर मिलता है इसका 6 प्लाई का टायर। तो अब अगर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसको आप अगर बाद में जो बदलते हो तो इसको 6 प्लाई का टायर डाल दो। ये जो है 4 कंपनी के साथ जो आया है वो 4 प्लाई का टायर है, बहुत पंक्चर होता है ये इसके। और बात करना चाहूँगा तो मैं इसके साथ जाक नहीं देती है कंपनी, इसका जाक आपको अलग से खर्चा 1000 रुपये डालना पड़ता है और लेना पड़ता है। दूसरी बात, मेरे को अभी तक दिक्कत क्या क्या है समझो, इसमें लाइट पीछे के लिए जो लाइट है मैं नहीं डाल दिया हूँ, लाइट गए थे, बल्ब गए थे, और सामने के भोजन के गए वाले मेरे अभी तक गए नहीं सामने के, मैंने अब मॉडिफाई करके दूसरे डाल दिए वाले हैं। और हाँ, जो अब ये और इसको सुधार करने की ज़रूरत है समझो, इसको रेंज बढ़ाना चाहिए और ये जो बॉडी है थोड़ा बॉडी में थोड़ा चेंज करना चाहिए, सस्पेंशन में चेंज करना चाहिए। हाँ, अगर मुझे पूछा जाए कि अगर अभी के टाइम पे आप भाई ये ऑटो लेना चाहेंगे या नहीं, मैं 2-3 और दूसरे ऑप्शन देखना चाहूँगा। इसके अगर यही लेना है तो मुझे इसमें मैं प्लस का जो ट्रियो प्लस बोल के आ रहा है वो लेना चाहूँगा, नहीं तो अभी ये मोन्ट्रा बोल के का आया वाला है देखो, उसका रेंज बहुत बढ़िया है और फुल्ली मेटल बॉडी है। अगर लेना चाहूँगा तो मैं अभी के टाइम पे उसकी तरफ देखूँगा, नहीं तो बजाज की तरफ देखूँगा। बजाज कैसा है, छोटा साइज़ है, उसमें पैसेंजर कम बिठाते हैं, लेकिन मोन्ट्रा जो है उसमें पैसेंजर भी ज़्यादा बिठा सकते हो, बड़ा साइज़ का है। चलो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।